बारू प्रखंड के इरगा पंचायत के इरगा गांव में शिव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा के साथ प्रारंभ गाजे बाजे व जयकारों के साथ किया गया। इस यज्ञ के लिए 13 फरवरी को भूमि पूजन के साथ किया गया था। यज्ञ का शुभारंभ 16 फरवरी को भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में कुल 551 कुमारी कन्याओं व महिलाएं कलश उठाई। 5 किलोमीटर पैदल चलकर सभी ने नदी से जल उठाया। कलश यात्रा प्रखंड मुख्यालय शिव मंदिर से कलश यात्रा शुरू कर दारू चौक, जबरा चौक, पिपचो होते हुए सेवा ने नदी के तट पर पहुंची, जहां पर यज्ञ के आचार्य डॉक्टर अनुग्रह नारायण शर्मा, उपाचार्य शंकर दयाल ने अपने सहयोगी आचार्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वरुण देव का आह्वान व माँ गंगा की पूजा अर्चना कर मुख्य पुजारी सुरेश मिर्धा एवं उनकी धर्मपत्नी सुरपति देवी सहित मुख्य पुजारी से सर्वप्रथम जल उठवाया। कलश में जल भरकर सभी कलश यात्री यज्ञ मंडप में पहुंचकर अपने अपने कलश स्थापित किए, जहां समिति की ओर से सभी कलश यात्रियों को कमेटी के सदस्यों बाल गोविंद साव व रोहित उर्फ ललकू अपनी ओर से चना गुड़ लस्सी पिलाकर उपवास तोड़वाया गया। यह महायज्ञ 18 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। यज्ञ का कार्यक्रम 16 फरवरी को वेदी पूजन व मंडप प्रवेश, 17 फरवरी अधिवास, 18 फरवरी को रोगल स्नान, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति व भंडारा सहरात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन आचार्य डॉक्टर अनुग्रह नारायण शर्मा के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। इस संबंध में आचार्य श्री शर्मा ने कहा कि बल और शिव जी इस पूरे क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ ही कहा कि यज्ञ के आयोजन से जहां पूरा क्षेत्र धार्मिक वातावरण में बदल जाता है और जहां जहां तक ध्वनि विस्तारक होता है वहां सुख शांति व समृद्धि मिलती है। दारू से सुमन सिन्हा की रिपोर्ट।